गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललिता व्लॉग। सो मैं आ गई एक नया व्लॉग लेके, और गाइस मैं आज जा रही हूँ बूजी के घर। यहाँ से ऊपर है उनका घर बहुत ज़्यादा, और मतलब यहाँ के जो भी व्लॉग है उनमें मेरी सांस ही चढ़ रही होती है, क्योंकि मेरे को मैं से चला नहीं जाता। हम थोड़ा सा रास्ते कवर कर लिया हमने। तो गाइज ये मेरी बूजी और हम अभी जा रहे हैं, और ये बोल रहे थे मेरे को मत लाना व्लॉग में, वीडियो में, और ये बोल रही थी कि मेरी बहू तेरी तरह लगती है, इसलिए मेरे को बड़ी प्यारी लगती है। तो पता नहीं अब, और इनके घर पे एक छोटा सा काका भी हुआ है और मैं वही देखने जा रही हूँ। और गाइज मिलता थोड़ी देर के बाद। तो गाइज आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे धूप निकली है, और वैसे तो बारिश हो रही थी। कल हमारे घर बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि एक छोटा सा फंक्शन था, मतलब पूजा वगैरह थी। तो उसके बाद यह हुआ, खाने पीने के बाद मेरे को क्या हुआ, मेरे पेट में इतनी ज़्यादा गड़बड़, और मतलब सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ दो बाइट खाई होंगी, और इतनी ज़्यादा मतलब पेट में दर्द थी। और अब ठीक है, क्योंकि मैंने दवाई वगैरह खाई, और मेरे को यहाँ पर पिम्पल्स निकलने शुरू हो गए, पता नहीं क्यों यार। मैंने तो कोई गर्म चीज़ भी नहीं खाई, क्योंकि यहाँ पे छोटा रास्ता है, और अभी भी ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि वीडियो बनाते बनाते कहीं गिर ना जाए। और आगे तो मतलब ऐसा रास्ता है, वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है थोड़ी सी जगह पे, इतना खतरनाक रास्ता है ना, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और मतलब मेरे को ऐसे वाली वाइब आ रही है कि मैं ज्योति का दिल लेके ना उसके ब्लॉग देखती थी, तो वो भी इस पहाड़ में ब्लॉग बनाती थी, मेरे को वो वाली वाइब आ रही है कि मैं भी वैसे ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे कसरोड के पेड़ है, जो मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाई थी, अगर किसी ने देखा होगा तो। ये कसरोड के पेड़, जिसको सौरभ जोशी और ल्यूड़ी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम तो कसरोड बोलते हैं, वो ल्यूड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं। ये गाइस पास से वो लैंडस्लाइड, और ये छोटा छोटा सा रास्ता है, ऐसे कैमरे में तो ऐसे इतना छोटा नहीं लग रहा होगा, बट बिद्दू बिद्दू सा रास्ता। और यहाँ से एक बार मैं छोटी थी तो मैं गिरने वाली थी, बर्फ पड़ी हुई थी यहाँ पे, तब मैं शादी में गई थी, अब मैं बर्फ में आती ही नहीं हूँ इधर। तो ये देखो गाइज, और वो चिनाब दरिया नीचे, यार दिखता ही नहीं है मेरे फोन में गाइज। ये है गाइज, ये रामबन है, और ये मैत्रा है, और ये बीच में चिनाब है, और ये जगह है ना, ये मेरी इतनी फेवरेट जगह है ना, पता नहीं क्यों, जब भी मैं बूजी घर जाती हूँ मैं यहाँ पे बैठती हूँ। पर बूजी अभी जल्दी जल्दी भाग रहे थे कि लेट हो रहा है, तो मैं नहीं बैठी, अदरवाइज ये जगह ना मेरे को यार इतनी प्यारी लगती है ना, ये वाली यहाँ पे बैठना बहुत ज्यादा। आज की लगी है यग्गुरे खाए कड़े ओ मनु हन दिया हां ओ गिया रहा चला भागु पूल दे वीडियो में ना आई ना, तो भी अगो अगो ना चलींदा। तो गाइस हमी अभी अभी हम पहुंच गए बुजी ओ कुक की जगह ऊपर, ओ जे तो पहुंच गए, ओ जे के दब्बड़ ने लजींदा है, और सुन नहीं होंदे ए जी का ऊपर ए आवा ए थम्मा रबर कोका थम्मा रबर कठिया है इले प्रिया है मैं करना लजुरा। तो गाइस अभी आगे थोड़ा सा पानी है पीने के लिए, और आगे एक छोटू सा पिद्दू सा वाटरफॉल भी है, बहुत प्यारा सा। और मतलब अभी तक तो सीधा रास्ता था, थोड़ी सी चढ़ाई थी पीछे, और आगे फिर से यार थोड़ी सी चढ़ाई है, और मेरे को चढ़ाई ही चढ़ना, इतना चाप चढ़ती है ना, मतलब आई हेट। तो मतलब मेरे को है कि प्लेन रास्ता हो तो बंदा यार, मैं मतलब बंदा नहीं, मैं सफ़र कर सकती हूँ, ये चढ़ाई वगैरह यार बहुत मुश्किल होता है। और फिर मेरे को लगता है कि अगर मैं चढ़ाई चढ़ूँगी मेरा वेट कम हो जाएगा, और मेरे को वेट कम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को वेट गेन करना पसंद है, पता नहीं क्यों। और यार धूप में तो मेरे पिम्पल साफ साफ दिख रहे हैं,
तू मित्रा दी जान गोरिये। तो गाइज ये देखो यहाँ पे ये होता है, मतलब पेड़ टूट टूट के पड़े हैं और हम इस पे चल भी सकते हैं। ये देखो मैं अभी इस पे ही चल रही हूँ। सो गाइज मतलब काफ़ी ज़्यादा वो करने के बाद मैंने इनको बोला कि मैं सामान उठा लेती हूँ, मेरी वीडियो बनाओ यार, मैं सिर्फ बैक साइड की वीडियो बना रही हूँ, मेरी भी बननी चाहिए। तो अब ये बना रहे हैं, मेरे को नहीं पता कैसी आ रही होगी। चलो आओ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ है क्योंकि बारिश हुई थी। मेरा फोन ना छेड़ रहा था वहाँ, कितना ना मेरा फोन हमारी ऐसी बड़ी कीचड़ है गाइस, बहुत ही जबरदस्त वाली कीचड़ है यहाँ पे। और बूजी पता नहीं कहाँ की वीडियो बना रहे हैं यार, सिर्फ कमाई कर रहे हैं, सिर्फ मेरी बनानी है बूजी मेरी, आऊं ना जीनी चाहिए यार। तुम यार नज बनी है, तेरी माँ खड़े नज बनी है बाबा। तो गाइस यहाँ पे देखो कहाँ कितना प्यारा, उरा उरा घर मेरी बहन भी है वहाँ ना जो। तो गाइस ये देखो कितना प्यारा यहाँ पे जगह है, ये देखो एक लड़की भी जा रही है। हेलो पर गाइस ये वो कसरोड के पेड़, अगर आपने पास से देखने होंगे तो कसरोड में बैठ चला था पीछे होना बेचना, कसरोड बड़ी गंदी लगती है मेरे को। गाइस यहाँ पे ना इतना प्यारा मौसम होता है, मतलब मन करता है कि बैठ जाए। अगर हम अकेले आते हैं फिर तो हम बैठ जाते हैं आराम से, मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटे, क्योंकि शाम को भी पहुँचते हैं कई बार इनके घर। अगर मैं तो मेरे भाई आए, मैं और मेरे भाई हैं, अब तो वो आया नहीं मेरे साथ, तो इनके साथ जाना, इनको काम है घर पर, तो ये बोल रहे हैं जल्दी जल्दी चल। अदरवाइज जहाँ पे छाया होती है हम वहाँ पे बैठते हैं। पहले तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो वही इस बार मेरे को लगा मेरे भूख है, मेरे चाय डाल दे। और मुझे बोल रहे हैं कि मेरे को भूख लगी है, जल्दी जल्दी चल, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो एक पर्सनल बात बताती हूँ, मतलब भूजी हमेशा यही चीज़ बोलते हैं, इनको यही चीज़ होता है कि कहते हैं कि यार तेरी शादी जब हो जाएगी तो तेरा पति पता नहीं कैसा होगा ना, वो लड़ दी बहुत ज़्यादा कीचड़ा, कुछ बोल रहे कि गिर नहीं जाना, चलो ना। तो ये मेरे को बोलते हैं कि तेरी शादी जब होगी तो पता नहीं मतलब कौन होगा कैसा होगा, हमारे बात भी नहीं करेगा, मेरे को शर्म आती है, इनको शर्म आती है ना बहुत ज़्यादा, कहते पता नहीं खड़ूस होगा। मैंने बोला खड़ूस होगा, कहते अगर खड़ूस होगा फिर अपने पास ही रखना, इधर मत लेके आना। फिर मैंने बोला नहीं यार खड़ूस नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। फिर जाके थोड़ा खुश हुए, ये बहुत ज़्यादा कीचड़ है यार, कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। वाटरफॉल जो मैं बोल रही थी अभी आगे भी है थोड़ा सा, बट यार यहाँ पे कौन गिरने का डर रहता है। और ये रास्ता है यहाँ से, लकड़ी का रास्ता है, आपको आवाज मेरी पता नहीं आ रही होगी कि नहीं, बहुत इतना प्यारा, मतलब मेरे को सपने में भी आ जाती जगह दिख रही थी, और मेरा मन कर रहा है कि इसके बीच में जाके नहाओ, बट पूजी बोल रहा है इसके बीच में मत जाना, यहाँ पे गिर जाएगी। आई यार चिल्लाते हैं यार, इनको भूख लगी हुई है। और ये देखो गाइस बहुत प्यारा है यार। तो गाइस हम ये जो सामने ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इसके पीछे जो घर है वहीं पे है बूजी का घर, और हम बहुत मुश्किल के साथ, मैं बहुत मुश्किल के साथ पहुँच चुकी हूँ। और गाइज मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इनके घर पे अब छोटा सा बेबी है, मैं पहले भी बहुत ज़्यादा आती थी इनके घर, बट अब नेटवर्क वगैरह नहीं आते, तो अब नहीं आती, पहले भी नहीं आते थे नेटवर्क, बट पहले मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं था, रील्स नहीं बनाती थी, तो अब मतलब कि उस बच्चे को उठाने के लिए मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना। तो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ, बस यही है सामने घर। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट मॉडल, बाय गाइज, लव यू गाइज।